उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर में शादी के लिए रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। नगर पंचायत भोजपुर के मोहल्ला जमींदारान में आज अचानक शादी के लिए रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें परिवार के लोग सदमे में हैं। पीड़ित ने बताया कि घर के कमरे में धुआं निकलता हुआ दिखा और कमरे के दरवाजे खोलने के लिए जैसे ही कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे तो कमरे में आग की लपटें दिखीं। आपको बता दें कि मोहल्ले वाले और परिवार वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित ने यह भी बताया कि हमारे यहाँ 4 दिन बाद लड़की की शादी थी और दहेज का सारा सामान और नकदी हमने अपने कमरे में रखा था, जो जलकर राख हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। क्या नुकसान हुआ इनका? नुकसान में इनका दहेज का सामान रखा था। अच्छा, लड़की की शादी थी, नई बाइक वगैरह थी, सोफा वगैरह जो भी सामान होता है शादी का सामान टोटल। कितना नुकसान बताया जा रहा है? ये अनुमानित लगभग 3 लाख के आसपास होगा। सर, ये फायर ब्रिगेड हमारे यहाँ जब भी आती है आग बुझने के बाद ही आती है, क्या मामला है? भाई, हम लोग तो ठाकुर द्वारा में हैं, जितना टाइम कॉल किया उतना टाइम रास्ते का लगा, वो उसके अलावा तो कह नहीं सकते। नाम सर अनीसुद्दीन है। जी सर, मैं जब तक मैं यहाँ पर आया तो बच्चे घर में चीखा मार रहे थे। मेरा पड़ोस में मेरे चाचा की, ये मेरे चाचा लगते हैं, ये मेरे चाचा उसमें 2 तारीख में बारात आ रही है, तो ये बच्चे चीखों का मार रहे थे। सारा सामान मेरी चचेरी बहन का जो भी था सब कुछ इसी में रखा हुआ था सर। जब आप यहाँ पहुँचे तो आप? जी, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इसमें धुआं निकल रहा था। अच्छा, निकल रहा था। ये सोफा वोफा था नहीं यहाँ पर, इतना कोई ये किवाड़ा बनती थी ये वाली, फिर ये हमने सर ये वाली किवाड़ा तोड़ के फिर हमारे मोहल्ले के लोग और बच्चे के लोग सहयोग करने के नहीं था सर सर और आ गए। अच्छा, फायर ब्रिगेड किस टाइम पहुँची यहाँ पर? सर, फायर ब्रिगेड जब तक हमने आग काबू कर लिया था सर आग पे हमने। अच्छा, फायर ब्रिगेड वाले ठाकुर द्वारे से आए, वो 1.5 घंटे में यहाँ तक पहुँचे। आग बुझ चुकी थी? हाँ, हमने आग पे सर अपने जब तक काबू कर लिया था और लोग भी काफी मोहल्ले के सब आ गए थे। जो आया बेचारा था अपने घर से पानी लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया, सबने सहयोग करा था। पूरी मशक्कत के बाद सबने आग बुझा दी? जी, सबने जब तक आग हमारी बुझा दी थी। कितना नुकसान बताया? फिर सर हमने सामान वामान निकाला, नुकसान तो लगभग सर 4 लाख रुपए का दहेज यहाँ घर में रखा हुआ था। वो कुछ कैश था? और कैश था, वो चाचा ने हमारे सर जमीन बेची है, तो वो आज रजिस्टर पे गए थे, कुछ पैसे जो हैं उन्हें जमीन वाले ने दे दिए थे उनको, तो 3-3.5 लाख रुपये थे वो पैसे वो उसमें रखे हुए लमसम, वो तो उन्हीं पता चाचा को। मैं लगभग 7 लाख रुपए के आसपास का, 7 लाख रुपए का लगभग आसपास जो है सब खाक हो गया था। और सर आप देख लीजिए बिल्कुल, ये कपड़े सबड़े आग लगी है। सर, ये आग कैसे लगी? हम लोग जा रहे थे परिवार में भात लेके, जब मैंने ऊपर से देखा तो थोड़ा सा धुआं खिड़की से निकल गया था, जब नीचे तक आया तो पूरी पकड़ चुका था, मतलब उसे लेट आ नहीं रही। आग लगाने की क्या वजह हुई? कुछ नहीं बता सकते साहब, ये तो बात के पता चलेगा। क्या कारण मानना है फिर भी आग लगने का? है क्या कारण मानना है? मतलब खिड़की से लगी है सर। अच्छा जी, आपका मानना यह है कि खिड़की से? जी जी जी। अच्छा, मानना भी है, और आप देख लीजिए फोटो इसके, मतलब मूवी बना लिए, मतलब कोई इससे मतलब कोई करंट से कोई इससे मैटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं। कितना नुकसान है? कम से कम 7-8 लाख का। 7-8 लाख? सब कुछ आप देख लीजिए, बाइक है, बाइक जलिए, हर चीज़ सामने पड़ी है। और ऊपर वाले का इतना करम भगवान का, अल्लाह का, मतलब जो परिवार से बच गए बस, और ये मोहल्ले वालों ने इतना सहयोग दिया है, जो परिवार में कोई आँच नहीं आई है, मतलब बस एक बच्चा था भी तो उसके निकाल लिया था। शादी आपके यहाँ कितने दिन बाद थी? जी शादी की 2 अप्रैल, 1 अप्रैल का मंडा है जी। कैसा लगी है आप? सर, इसका कुछ पता नहीं चला, सारा सामान इस बैठक में रखा हुआ था, ये देखो आप देख सकते हो, और लोग था अंदर से, एक खिड़की खुली हुई थी, अल्लाह बेहतर जाना किसी ने लगाई या तिल्ली डाली कुछ कह नहीं सकते, अज्ञात है। ठीक है जी, टोटल सामान मैं सब कल ला चुका हूँ, भाई वगैरह सब कुछ, आज या कल मैं दहेज चले आता। क्या क्या सामान था भैया? सर, इसमें सैफ अलमारी थी, इसके अंदर मतलब बाइक था। और सर मैं बता दो, इसमें एक अपाचे गाड़ी थी, और डबल बेड सेट, सोफा सेट, और अलमारी, ड्रेसिंग सेट, क्रोकरी सेट, LED, और सर 3 लाख रुपए कैश रखे हुए थे अलमारी के अंदर। सर कैश भी रखा हुआ था? कितना नुकसान? हमने सर अभी आज मैं रजिस्ट्री पे था सर, मेरे वाले साहब अभी मुझे रजिस्ट्री पे है, मैं वहीं जा रहा था, मेरे पास खबर आई आपके घर में आग लगी। टोटल कितना लॉस है? 7,35,000 की मैंने हमने जमीन बेची है सर, और 3 लाख रुपए उसमें कैश रखे हुए थे, और बाकी जो सामान था और हमारे भाई ने पैसे भेजे, सारा कुछ इसी के अंदर था। सब कुछ इसके अंदर ही था? जी सर। क्या नाम बोल रहे? सर, मेरा नाम आयु है। जी, कैसे हाल लगी? सर, मैं मरवा गया था रजिस्ट्री के लिए, हमने जमीन बेची थी, शादी की। अच्छा, शादी कब? शादी है 2 तारीख को, 2 अप्रैल।
क्या दिन बाकी है? अभी है 4 दिन बाकी। तो ये आप कैसे रखे? सर हमें मालूम नहीं किसने आई, हमने सारा सामान लेके इसी कमरे में रखा था, दहेज का। इसमें बाजी गाड़ी, डबल बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह सब सामान इसमें। आपका जो ये सामान जला है कितने का नुकसान है? लगभग लगभग हमारा 7 लाख रुपये, हमने जमीन बेची 7 लाख की। जो जमीन बेच के सामान लाए, सामान लाए और बाकी पैसे। मुरादाबाद से मोहम्मद शाहजेब अंसारी की रिपोर्ट।